मैं इंजीनियर जनक भारद्वाज फिर एक नई प्रॉब्लम के साथ। दोस्तों कॉल आई है, इनोवा गाड़ी दिल्ली से है। गाड़ी वाले कह रहे हैं कि हम पेट्रोल डालें लुके डीजल सॉरी डीजल पेट्रोल पंप पे, तो वहाँ पे गाड़ी को जब हमने ऑफ किया उसके बाद फ्यूल डाल दिया, फ्यूल डालने के बाद गाड़ी को इग्निशन स्विच लगाने पे गाड़ी का इग्निशन नहीं घूम रहा है। दोस्तों जो हमारे इग्निशन स्विच चाबी जो हमारी की है वो रोटेशन नहीं ले रही है। तो दोस्तों जा रहे हैं गाड़ी के पास, देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती है। गाड़ी दिल्ली से है और मानसून का प्रभाव भी बहुत ख़तरनाक है, स्लाइडिंग एरिया है टोटली फोर लेन के जितने भी हैं, बट हमें रुकना नहीं है थमना नहीं है। दोस्तों गाड़ियां ख़राब काफ़ी दूरी पे होती है, यहाँ पे काफ़ी दूर दूर जाना पड़ता है दोस्तों हमें। दोस्तों तो गाड़ी गुड़गांव के 426 नंबर है, पेट्रोल पंप पे खड़ी है दोस्तों गाड़ी, अभी पहुंचे हैं देखते हैं। दोस्तों जिस तरह से हम आए हैं अपनी लग्जरी गाड़ी लेके, तो इन्हें पता नहीं चल रहा है कि ये टेक्नीशियन है या गाड़ी के ऑनर हैं। तो दोस्तों गाड़ी के पास पहुंचे हैं, अभी देखते हैं इनका रिएक्शन। चाबी है दोस्तों गाड़ी की, जिसके टिप में फर्क पड़ चुका है। दोस्तों इसका इग्निशन स्विच मुझे ख़राब लग रहा है, देखते कोई ना कोई फॉर्मूला करते हैं। 88 यूज करेंगे, ये टेक्निक आप भी कर सकते हैं। पूरा प्रेशर। दोस्तों काफ़ी कोशिश की हमने, डिफरेंट टाइप की मास्टर्स की भी है हमारे पास, फिर भी नहीं गाड़ी ओपन हुई दोस्तों, और ऐसी जगह फंसी है ना गाड़ी आगे के जाने लायक ना पीछे जाने लायक दोस्तों। तो अब हमारे पास इसकी दूसरी टेक्निक है, सिखाऊंगा आपको, बने रहें। और इस टेक्निक को दोस्तों पॉजिटिव ही यूज करें, नेगेटिव की तरफ ना जाएँ, तो नेगेटिव का परिणाम दोस्तों होता है बहुत बुरा है। दोस्तों दूसरी टेक्निक ही यूज करेंगे क्योंकि लॉक सेट हमें इसका यूज़ करना है। दूसरी टेक्निक में बने रहें, आप देखते रहें। तो दूसरी टेक्निक हमारी दोस्तों रहेगी लॉक इग्निशन जो स्विच है दोस्तों, हम उसको बाहर रिमूव कर देंगे। ये भी आपको टेक्निक सिखाएंगे, इस तरह से अगर ऐसी दिक्कत हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं। बट दोस्तों नेगेटिव वे में ना चलना, आपने इस पर नेगेटिव वे में आप बिल्कुल ना चले। इग्निशन स्विच खोलने के लिए इग्निशन जो हमारा हेडलाइट का कॉम्बिनेशन स्विच है, हेडलाइट कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं हेडलाइट कॉम्बिनेशन स्विच, इसका कवर होता है दोस्तों, उसको हमें रिमूव करना है। तो इसको हल्की हल्की हैमरिंग करनी है आपने, वाइब्रेशन जनरेट करनी है इसमें, तो बीच में आपका लॉक ऐसा हो जो फंस चुका है। दोस्तों
हल्की हल्की वाइब्रेशन से जो वाइब्रेशन जनरेट हुई है हैमरिंग से, उसे इसके लॉक है जो सब ओपन हो गए हैं। ये आपका अटक भी रहा है, काम भी कर रहा है दोस्तों। फाइनली कामयाब तो हो गए हैं, बट ये आपका परमानेंट सलूशन नहीं है, ये टेम्परेरी सलूशन है। या हमें नई की लानी पड़ेगी जो इसकी सेकेंड की है दिल्ली, या फिर इसका इग्निशन स्विच चेंज करना पड़ेगा। इग्निशन के साथ दोस्तों टोटली पूरी गाड़ी के हमारे लॉक सेट चेंज होंगे। तो दोस्तों गाड़ी को हमने कर दिया ओके। तो गाड़ी बिल्कुल ओके है, दिल्ली जाएंगे, दूसरी चाबी है इनके पास, पर कर दिया हमने इसका इलाज दोस्तों। हेलो, तो दोस्तों फाइनली गाड़ी रेडी है। प्रॉब्लम हो जाती है रास्ते में, तो तरीका आपको बता दिया, चाबी को निकाल के जोरिक या ऑयल आपने यूज करना है। साथ में दोस्तों यहाँ हमने इसके जो मेटल पार्ट पे हैमरिंग की है, जितना भी इसका मेटल पार्ट पे हैमरिंग की, प्लास्टिक पे हैमरिंग ना करें। और जिस हैमरिंग से वाइब्रेशन जनरेट हुई, उस वाइब्रेशन से क्या हुआ दोस्तों, आपके जितने भी इसके अंदर के लॉक फंसे थे वो सब खुल गए दोस्तों। खुलने से आपकी की एकदम से काम करने लग गई। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी रहती है कई बार रास्ते में, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कई बार ऐसी दिक्कत हो जाए। तो दूसरा तरीका नहीं सिखाया दोस्तों मैंने, जो एक हम डायरेक्ट करते हैं इग्निशन स्विच खोल के, बट हमारा काम यहीं पे ही निपट गया। दूसरी वीडियो में कभी आपको ये तरीका भी दिखाएंगे, और इस तरीके को आपने करना है पॉजिटिव यूज, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव कभी नहीं करना दोस्तों यूज। मॉनसून का मौसम है, पूरा एसपीटी भी नहीं है, यहाँ पे पूरे भीग गए हैं। लीजिए दोस्तों, तो फाइनली चेक भी कर लेंगे दोस्तों कि कहीं फंस तो नहीं रहा है। तो फाइनली गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई है, गाड़ी वापस दिल्ली जाएगी दोस्तों। तो फैमिली है साथ में, यहाँ पे काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं और मानसून का मौसम है, तो हमारे दिल्ली से हैं, हमारे जो गेस्ट हैं यहाँ पे आए हुए, तो इनकी गाड़ी बिल्कुल ओके कर दी है। ओके, तो काफ़ी खुश हैं। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तो जी ने, और जो है ना सर जनक इंजीनियर जनक जी है, और हमें बारिश हो रही थी और ये बेचारे इमरजेंसी में आए और इन्होंने जो है बहुत अच्छा काम किया, हम बहुत ही संतुष्ट हैं। मैं दूर जाना था, बहुत अच्छा काम किया, हमारी गाड़ी स्टार्ट कर। ओके ओके जी, वेलकम जी, वेलकम।